कांडा तहसील के अंतर्गत ग्राम तुसरेड़ा को सड़क से जोड़े जाने की मांग को लेकर ग्रामीण मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से तुसरेड़ा को सड़क से जोड़े जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मरीजों तथा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है। इधर क्षेत्र के विधायक बलवंत सिंह भौरियाल ने बताया कि तुसरेड़ा गांव के लिए सड़क स्वीकृत हो गई है, जल्द ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीसीएन न्यूज के लिए पेश है कांडा से पंकज दसीला की रिपोर्ट। विदाई जो तुम अमन का रोड दीजिए आलो विदाई जो আলত মেলি দিয়া আলত আমাৰ সুধি খালাম তো মানুহক ৰ'দ দিয়া আলো আমি বৰ পাৰিছোঁ এইখন তুৰিয়াবাৰ বুঢ় বাৰিখন বেমাৰ শুনিয়া ইয়ো দাৰ নাযাহগনিয়া তোমাৰ সুধি খালাম যি যি লে হম তুম কাৰি দিওঁ তোমাৰ সুধি খালাম তুম জগা টকা মোক ৰ'দ দিও আমাৰ নাইকিনা কান্না চাল আগে দুলগা লিজান লিজান দামপুৰ মে অঁ হ'ব বেমাৰ শুনিয়া আৰু মুচকিল আহিও তুম ৰ'দ দিও তোমালোকে আৰু মাগিল কালিয়ে তোমালোকে বৰ্ডা দিওঁ हाँ तुम जल हाँ रोड दिया खुद की हालत। मैं कुशाल सिंह धानी, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए महोदय, हमारी सबसे बड़ी समस्या रोड है। हम लोग बागेश्वर जिले के अंतिम बॉर्डर पे रहते हैं। हमारे गांव से बागेश्वर जनपद की दूरी लगभग 65 किमी दूर है, और हमारे गांव से पिथौरगढ़ बॉर्डर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर दूर है। हमारी रोड का नाम देवनगर धामपुर तुसरेड़ा ठांगा है, फाइल नंबर 1677, जिसे 1.5 वर्ष से पहले सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। हम लोग विधायक जी के संपर्क में हैं। विधायक जी का कहना है कि पैसे की व्यवस्था की जा रही है, यूँ ही हमें पैसा प्राप्त होता है तो हम लोग आपकी रोड का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। जो तुसरेड़ा वाली सड़क है, हमारा देवना के जो बैंड है जी, वहाँ से तुसरेड़ा वो सैद्धांतिक स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है, वन अधिनियम से निस्तारण हो चुका है। और इसमें अभी हमने DPR बनाने के लिए भी विभाग को लिखा है, धनराशि हमको उपलब्ध हो चुका है। जो ही DPR शासन को उपलब्ध होगी तो इसका भी शुभारम्भ शीघ्र हम करने वाले हैं।